आप जो है ना वो तारीख के लिए मेहनत करें, एक वक्त आएगा जब आप ही तख्त पर बैठे होंगे, इंशाल्लाह। तो मैं आप ख़ुद मुझे कहेंगे जी आएँ, आप तशरीफ़ लाएँ, तो आप दुआ करें ख़त्म पर। इस्लामाबाद की सड़कें हमारे लिए खुली होंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। समझ आई, वहाँ फूल लेकर आप खड़े होंगे, कोई वहाँ जज होगा, कोई जनाब वज़ीर होगा, कोई आप ही सेक्रेटरी होंगे इंशाल्लाह। तो मेरे जैसा मस्कीन खुद वहाँ आएगा, आप कहेंगे जी आप आ जाएँ, आमन अमान का कोई मसला नहीं है। हाँ जी, हाँ। तो आप जो है ना, जो मैं आपको पहले ये तो करें ना यार, वो बातें तो बहुत अभी दूर है ना, जो बात हम कर रहे हैं वो वाकई आप मेहनत करें, 2018 में हुजूर के दीन तख्त पर लाएं, इंशाल्लाह। ठीक है, तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा, हमें फिर कौन रोकने वाला हो। अब जब जिनको दर्द है, हमें मुझे भी नहीं पता कि इनको दर्द क्या है, तो ये बातें ताकत से होंगी। हाँ, एक मैं तादाद का कायल तो नहीं, लेकिन इनको भारत तादाद तो दिखानी पड़ेगी ना। हाँ जी, मेरे नज़दीक आप में से एक बंदा भी जो है ना वो पूरी हुकूमत पर भारी है। आपके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा है, ये बेईमान है, ये यहूद व नसारा के एजेंट हैं, तो बिला वजह जी आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते जी? बस ही नहीं जा सकते, ये कोई बात तो नहीं ना करने वाले, ये तो दुनिया का कोई कानून ही नहीं। तो इनके दर्द तब भी ख़त्म होंगे जब आपके पास पावर आएगी। ठीक है, आप अपनी तारीख के लिए मेहनत करें बस। हाँ जी, अब ये आप में से एक बंदा 1000 के बराबर तो नहीं हो सकता ना, लेकिन कम से कम एक बंदा 5 के बराबर तो हो सकता है ना। तो आप मेहनत करें, ये कान बंद कर दें बिल्कुल। मैं 1000 बार कर चुका हूँ, अगर आपने ऐसा वक्त ज़ाया कर दिया तो फिर बहुत बढ़िया मुसीबतें आएंगी, और मुसीबतों का आप सोच भी नहीं सकते। हाँ जी, बहुत बड़ी मुसीबतें आएंगी। ये जो आपका नारा है ना, उन मुसीबतों को भी रोके खड़ा है। हुक्मरानों की बदमाशियाँ इस हद तक चली गई हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाए मुल्क का, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। हाँ, ये अल्लाह ताला लैसा भी अमानियो लैसा भी अमानियो वला अमानी आल किताब मैं यामल सू युजा भी ना अल किताब की जो है वो ख्वाहिशात पर अल्लाह ताला फरमाता है ना तुम्हारी ख्वाहिशात ना अहले किताब की, जो भी बुराई करेगा उसको सजा दी जाएगी। तो पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने 70 साल दीन के साथ जो कुछ किया और अब भी दीन के साथ जो कर रहे हैं, नामूस रिसालत की जो साथ ये गद्दारियां कर रहे हैं, तो इनकी सजा तो बड़ी ख़तरनाक है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन वो सज़ा इसलिए भी नहीं आ रही कि आपने लब्बैक का नारा लगा दिया। हाँ जी, तो मैं सही तो इस पर वो सज़ा गई रुक, इस पर वो सज़ा रुक गई कि ये उम्मत खड़ी हो गई मेरे हबीब से वफा करने के लिए। और ये आपके नारे की वजह से बहुत सारे और ममालिक से भी सज़ा जो है वो टल जाएगी। हाँ जी, और फिर वो बाहरें वापस आ जाएंगी। हाँ, इनको पता नहीं है ये बदमाश हैं, ये गुंडे हैं, इनको नहीं पता, इनको किसी बात का भी नहीं पता। हाँ जी, ये सिर्फ वो एयर कंडीशन में बैठकर नोट गिनकर कौम से परेशान करते हैं। हाँ जी, एयर कंडीशन में भी बैठते हैं और फिर नोट भी गिनते हैं, फिर कौम के ये मोहसिन हैं। हकीकी लोग आप हैं, आप दीन का काम करें। हाँ, आप दीन का काम करें, हुक्मरानों को कोई गर्ज नहीं है मुल्क रहे न रहे। हाँ जी, इनको कोई गर्ज नहीं है, इनको सिर्फ अपना माल बनाने में गर्ज है। तो हम ये जितने मुखबिर यहाँ बैठे हैं, इनके ज़रिए पैगाम दुनिया को भी देना चाहते हैं और अपनों को भी, कि हमसे बड़ा पुरअमन कोई नहीं। हाँ जी, हमसे बड़ा मुल्क का वफादार कोई नहीं। लेकिन ये सारी बातें है, चाहे नामूस रिसालत, बस। हाँ जी, बाब मैं ऐसे करूँ ना ऐसे तो मेरी पगड़ी गिर जाएगी। हाँ जी, तो आपको कोई गाली दे इस मसले में, आपको कोई थप्पड़ मारे इस मसले में। अच्छा, हज़रत हारसा को अचानक तीर लगा, अचानक मैदान बदर में, तो उनकी अम्मी जान जब रोईं तो हुजूर ने फरमाया कि आप क्यों रो रही हो, वो तो फिरदौस आलम में पहुंच चुका है। वो तीर जो आपको लगा था ना, उसके बारे में मुहद्दिसीन ने 3 बातें की हैं कि मारने वाले का भी पता नहीं, आया किधर से वो भी पता नहीं, वो मकसूद भी ना हो उसको मारना, चलाया कहीं और लग किसी और को गया,
अब ऐसा तीर जो काफिर ने मारा भी नहीं इरादे से, तो लग हज़रत हारसा को गया, तो उनका ये मकाम है। तो जो इरादे से नामूस रिसालत के मुहाफिज़ को कोई मारे तो फिर बताएं वो कहाँ चला जाएगा। बोलो सामुन गरबुन लग जाए, यानी मारना उसका मकसद हज़रत हारसा को नहीं था, लेकिन तीर उनको लग गया, आए हुए थे वो रसूलुल्लाह के साथ। तो एक आदमी निशाना बांध कर मारे कि ये नामूस रिसालत का मुहाफिज़ जा रहा है, इसको डंडा पड़ गया, इसको नाके पर रोक दिया गया, इसको बस से उतार लिया गया। क्यों? ये नामूस रिसालत के मुहाफिज़ के उर्स पर जा रहा था, अचानक तीर लगे तो उसका ये मकाम है। तो जिसको इरादे से रोका गया कि ये वाकई ये वही बंदा है, तो आप सोच सकते हैं आपका मकाम क्या है। लेकिन हशर को होगा ये मालूम। अभी आप हर बंदे को पता चले, मैं आपको सही बता रहा हूँ, हाँ बिल्कुल पक्की बात है। घोड़े की लिद जो है वो भी काम आएगी क़यामत वाले दिन। तो आप सोच सकते हैं हुज़ूर की नामूस के लिए इन हालात में, जब दुनिया में खाके बन रहे हों, और जो मुल्क हुज़ूर के नाम पर बना हो, गाजी मोहम्मद यूसुफ़ को सज़ा मिल जाए जो असगर कज़ाब पर हमला करे, और असगर कज़ाब जो है वह मेहमान बन के जेल में बैठा हुआ हो, आप सोच सकते हैं हालात किस तरफ जा रहे हैं। मुद्दई नबुवत जो है वो बैठा है, और जिसने उस पर हमला किया उसको 5 साल सजा दी गई। इनका सिर्फ इतना ही मकसद है कि पाकिस्तान को दीन से निकालना है, हमने आगे बांध बांधना है, ऐसे करना है कि नहीं ऐसी बात नहीं होगी। हम जब तक जिंदा हैं हुजूर की इज्जत पर पैरा देते रहे, बस यही जज्बात होने चाहिए। जज्बात में हर वक्त यही बात होनी चाहिए, हर वक्त जिक्र छेड़िए उनका हर बात में।